अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक और खैरियत से होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी गाड़ी की वेरीफिकेशन करवा सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन हम घर बैठे ही अपनी गाड़ी की वेरीफिकेशन कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी चाहे कोई भी सी भी गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो, बस हो, कोई भी गाड़ी हो, तो हम कैसे वेरीफिकेशन कर सकते हैं? हाँ तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, या कोई भी हो, गूगल पे चले जाएं, उस पर लिखना है। हाँ तो दोस्तों, उस पर लिखना है SESExcise.GOS.PK। ठीक है दोस्तों, हमें ये लिखना है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मैं टाइपिंग भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। ठीक है, मैंने लगा लिया। अभी ऊपर वाले के ऊपर ऑप्शन पे नहीं जाना है, जो एक्सटर्नल टैब लिखा हुआ है उस पे नहीं जाना है। वो तो मैं आपको चेक करवा के दिखा सकता हूं, लेकिन नीचे आना है ऑनलाइन वेरीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगर फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी है तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? तो हमारे देख सकते हैं कि आपको टिक का निशान लगा हुआ है। तो हमारी फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, वैन हो, कोई सी भी गाड़ी हो, तो हम उसी पे टिक लगा के हम चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी का नंबर चेक करता हूँ, आपको चेक करके दिखा देता हूँ। JE 5423। जी दोस्तों, मैं आपको चेक करा के दिखा सकता हूँ कि मेरी गाड़ी रजिस्ट्रेशन है, किसके नाम पे है, क्या टैक्स भरा हुआ है, नहीं है। देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी की वेरिफिकेशन आ गई है। ठीक है, तो विंस डिटेल्स पे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने विंस डिटेल पे आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मॉडल लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है। आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी सीटर है, कितनी नहीं है, क्या आपका टैक्स भरा हुआ है, टैक्स नहीं भरा हुआ, जो भी गाड़ी की मालूमात है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको सही तरीके से चेक करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी बाइक को चेक करें, तो इसमें बाइक का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। इस पर एक बाइक का नाम लिख रहा हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ, उसकी डेट HBK। इसके साथ ये स्पेशल बटन जो है, ये लाजमी देना है। ठीक है, हाँ, ये देख सकते हैं कि मैं दे रहा हूँ, ये लाजमी देना है। इसके साथ बाइक का नंबर आप दर्ज करें। ठीक है, 7627। इस पर देख सकते हैं ये राइड हो गया है। उसके बाद सर्चिंग पे जाना है। ठीक है दोस्तों, आप सर्चिंग जैसे आएगा देख सकते हैं कि ये वेरीफिकेशन बाइक की भी आ गई है। तो विंस डिटेल पर जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँगा कि ये बाइक किसके नाम पर है। ये देख सकते हैं रजिस्टर नंबर लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये 2016 की निकली हुई है। ठीक है, ये जो नाम है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जाहिद अली शाह लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ही सही तरीके से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको देख लें, आपकी बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो, बाइक के लिए तो आप बिल्कुल नीचे जाना होगा। ठीक है, और आपकी कोई भी बड़ी गाड़ी हो तो उसके लिए जो है ऊपर जाना होगा। ऊपर जो फोर व्हीलर लिखा हुआ है, तो फोर व्हीलर में सब गाड़ियाँ आ जाती है, काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती है जो फोर में आती हैं। तो फोर व्हीलर के जो आपके पास कार है, या बस है, या मज़दा है, कोई भी गाड़ी है, तो आप उस पर वेरीफिकेशन कर सकते हैं कि किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। तो बाइक की भी सहूलत है, जो भी आपको सही लगे, आपके पास जो गाड़ी हो आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल ही आपको हर चीज़ आसान तरीके में समझा दी है। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, आप दोस्तों को भी बता सकते हैं, भाइयों को भी बता सकते हैं। और आपके पास जो भी गाड़ी हो तो आप ऑनलाइन चले जा सकते हैं, घर बैठे चेक कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं।